और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फ्री फायर वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई और रेड क्रिमिनल आदम चाचा को कैसे मिला। फिर उन दोनों ने साथ में मिलकर पान की दुकान का बिजनेस स्टार्ट किया, पर तभी आदम चाचा को पता चला कि सबसे ज्यादा पैसा तो अंडरवर्ल्ड में है। फिर रेड क्रिमिनल आदम चाचा को सबसे बड़े माफिया के पास ले जाता है उसकी गैंग ज्वाइन करने के लिए। वही अब आगे वही सासा येड़ो हम पहुँच गए। यही है वो बड़े माफिया जिनकी मैं बात कर रहा था। बहुत सल्टी है इनकी शहर में। हाँ क्रिमिनल, वो तो इनकी गैंग देख के ही पता लग रहा है। बाबू मोसाई क्रिमिनल बताओ कैसे याद किया मुझे। अरे हिप्पू भाई, ये मेरे सासा है और इनको ना अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा आपसे अच्छी तो किसकी गैंग हो सकती है, तो मैंने सोचा आपसे मिलवाने ले आऊं। अच्छा बाबू मोसाई, तुम मेरी गैंग ज्वाइन करना चाहते हो, तो बताओ कितने अपराध किए हैं तुमने। किडनैपिंग, चोरी चकारी, जमीन के कब्जे, वसूली वसूली, ये सब तो किया होगा ना। अरे नहीं, वो सब तो नहीं किया क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला ना। हाँ, इन्होंने पान की दुकान शुरू की थी, इतना ही क्वालिफिकेशन है। और हाँ, एक दिन गैरेज में काम किया था, फिर सेठ ने निकाल दिया लाठ मार के। अच्छा, तब तो मैं तुम्हें गैंग में नहीं ले सकता, पहले अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाओ यार। अरे नहीं हिप्पू भाई, हमें निराश मत कीजिए, मैं बहुत ही उम्मीदें लेके आया हूँ आपके पास। आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगा। ठीक है चलो, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, मतलब कि मेरा एक काम करना पड़ेगा, अगर वो तुमने कर लिया तो मैं तुम्हें गैंग में ले लूंगा। हाँ ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे, मैं कुछ भी कर लूंगा। बाबू मोसाई, तुम्हें इस शहर के एक बड़े गैंगस्टर के घर में चोरी करनी है। हाँ बताइए क्या चोरी करना है। तुम्हें उसके घर में से संडास चोरी करना है उसका। ये क्या बात हुई हिप्पू भाई, इतने बड़े आदमी हो के कमोड चोरी करवाते हो। सी ओबे नुबड़े, जुबान मत लड़ा, जितना बोला उतना कर वरना ठोक दूंगा, समझा। और सुनो, बाहर कार पड़ी है वो ले जाओ, और लोकेशन तुम्हें मेरे आदमी लोग भेज देंगे। ठीक है हिप्पू भाई। और गाइस क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इंस्टाग्राम की लिंक कमेंट में है, फॉलो कर लो, वहाँ मैं 80-80 रील्स डालने वाला हूँ। बाबू मोसाई, बहुत प्रमोशन कर लिया, अब निकलो जाओ। सासा सड़ो, हम पहुंच गए उस लोकेशन पे, मुझे लगता है वही है वो गैंगस्टर का घर। हाँ क्रिमिनल, और वो देख कार पड़ी है, मतलब गैंगस्टर भी घर पे ही है, हम ऐसे दिन दहाड़े चोरी कैसे करेंगे। अरे सासा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम सब कर लेंगे। ओए मजा आ गया, ओए बहुत टाइम के बाद बाबू को मिला। अबे ये सुअर उस गैंगस्टर के घर में से क्यों निकला। ओए मेरी बाबू का घर है, मैं तो आता जाता रहता हूँ। सुनिए ना सुअर भाई, क्या आप हमारी एक हेल्प कर सकते हैं। ओए पिगू भाई, बोल। पिगू भाई, अपुन भी एनिमल का गैंगस्टर है, और बता क्या हेल्प चाहिए। पिगू भाई, वो हमें इस गैंगस्टर के घर में चोरी करनी है, तो आप बता सकते हो कि अंदर कितने लोग हैं। ओए दो मिनट रुक जाओ, अभी वो गैंगस्टर अपने अड्डे पे जाने वाला है, फिर उसकी बाबू घर पे अकेली होगी, तो तब तुम चोरी कर सकते हो। अरे आदम सासा, पिगू भाई तो बहुत काम की चीज है। पिगू भाई अपना नंबर दे देना, हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ओए ठीक है ओए। अरे बाबू चलो मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, आते वक्त समोसा ले आऊंगा। अरे सासा वो देखो गैंगस्टर तो अपनी कार में बैठ के जा रहा है, सड़ो सड़ो यही मौका है। हाँ आ रही हूँ, इतनी क्यों डोरबेल बजा रहे हो, बोलो क्या काम है। ए, हम चोरी करने आए हैं तेरे घर पे, साल चुप से आप साइड में बैठे जा। ओ मेरे घर पे चोरी करने आए हो, सालो निकलो यहाँ से वरना गोली मार दूंगी। अरे सासा भागो, ये तो बहुत ही डेंजर औरत है, गोली मार देगी। चलो अब मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। अरे सासा यार, मेरा प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करेंगे, ये टॉयलेट नहीं मिला तो हम हिप्पू भाई को क्या मुंह दिखाएंगे। क्रिमिनल मेरे पास एक प्लान है, अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। अरे ये फिर से कौन आ गया। हाँ बोलो क्या काम है आपको। अरे बहन जी, हम प्रो टॉयलेट क्लीनर है। क्या आपके टॉयलेट में नमक है। अबे साले क्या बोल रहा है, नमक नहीं कीटाणु जर्म्स। हाँ सॉरी सॉरी, क्या आपके टॉयलेट में कीटाणु है, तो चिंता मत कीजिए हम साफ कर देंगे। नहीं हमारे टॉयलेट में कोई कीटाणु नहीं है, जाओ हमें नहीं साफ करवाना है। हा? अरे बहन जी सुनिए तो सही, फ्री सर्विस है। हाँ हम फ्री में आपका टॉयलेट साफ कर देंगे और वहाँ परफ्यूम भी लगा देंगे। अच्छा ये बात है, तो चलो मेरे पीछे आओ, मैं घर का टॉयलेट दिखा देती हूँ अच्छे से साफ करना। अरे एक मिनट, हम तो हमारी बंदूक घर पे ही भूल गए, साला फिर से घर वापस जाना पड़ेगा। ये रहा टॉयलेट,
अच्छे से साफ करना हाँ, कोई जम्स ना रह जाए। अरे बहन जी एकदम अच्छे से साफ कर देंगे, चिंता मत कीजिए। अरे यार मेहमान आए हैं आपके घर में तो आप हमें साय पानी का नहीं पूछेंगी? जाओ हाँ, हम दोनों के लिए साय बनाओ और चिप्स भी लाना थोड़ी, तब तक हम आपका टॉयलेट अच्छे से साफ कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ, हाँ अदरक वाली। अरे ससुरा एक इसकी कार पड़ी है हमारे घर पे और ये सामान भी पड़ा है, लगता है कोई सेल्समैन आया है। चल क्रिमिनल टॉयलेट उठा ले, यही सही मौका है, भाग जाते हैं। अरे नहीं नहीं सासा यार, साय पी के जाएंगे। हाँ रुको। अरे बाबू ये कोई सेल्समैन आया है क्या हमारे घर पे? हाँ वो टॉयलेट क्लीनर आए हैं, फ्री में टॉयलेट साफ कर दे रहे हैं। अरे फ्री में तो कोई साफ नहीं कर देता भाई, अच्छे आदमी लगता है। हाँ वो अभी आपका टॉयलेट ही साफ कर रहे हैं। अबे अगर चाय पियेंगे तो मास्क उतारना पड़ेगा, पकड़े जाएंगे। अरे वो ससुरा चोर है, अभी बताता हूँ सालों को। हाँ सासा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सालो तुमको गोली मार देंगे। अबे ये क्या, हमारा टॉयलेट चोरी हो गया, हम बर्बाद हो गए। सासा यार क्या ही टाइमिंग थी, बार बार बसे। हाँ क्रिमिनल अगर वो गैंगस्टर हमें देख लेता तो पक्का गोली मार देता। सासा ये क्या दिन आ गए, लोग आजकल टॉयलेट चोरी करवा रहे हैं, बताओ। हाँ क्रिमिनल क्या करे, करना पड़ता है। अबे देख के बीच में कार आ गई। अबे साले अंधा है क्या, दिखता नहीं है? रेड सिग्नल है फिर भी रोड क्रॉस कर रहा है। चल बाहर निकल साले, अभी तुझे बताता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। सिग्नल विग्नल मैं ना देखूं सू। अबे मेरे से जबान लड़ाता है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? अबे मैं वे भाई को मार रहा है और वो भी मैं वे एवे में। रंगा बिल्ला जॉन लूकस पीटर पार्कर आ जाओ सारे। हाँ भैया जी यही काट देंगे साले को। अरे भैया लड़ने झगड़ने में क्या रखा है, हम भाईचारे में सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, क्या बोलते हो? नहीं नहीं तूने मेरे छोटे भाई पे हाथ उठाया है तो आज मैं वो हाथ ही खाट दूंगा। अरे सासा यार बसाओ। अरे क्रिमिनल कितने सारे लोग है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, एक काम कर चुपचाप मार खा ले फिर चलते हैं। तो चलो भाई लोग अभी इनसे मेरे भाई का हिसाब छुप था खोल लेते हैं। अरे कुबरे क्या इन बच्चों के साथ हाथापाई कर रहा है, छोड़ दे इन बच्चों को और जा अपनी पानी पूरी बेच। अबे ओ चाचा तुम हमारे रास्ते में मत आओ वरना तुमको भी निपटा देंगे। अबे ओ कुबरे तू मुझे निपटाने की बात करता है तो चला जा। रे भैया भागो, इसके पास तो घोड़ा से ठोक देगो। बड़े आए मुझसे लड़ने वाले। अरे थैंक यू, आप तो पापा हो पापा, सब लोग डर के भाग गए आपसे। हाँ भाई मैं तो बदमाशी में बाप हूँ इन सबका। अरे तो फिर आज से आप मेरे भी पापा ठीक है? ठीक है तो मेरे को तुझे भी गोली मारनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे नालायक बेटे मेरे नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं फिर रहने दो, आज से आप मेरे ताऊ ठीक है, ताऊ बन जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है बेटा। वैसे ताऊ जी यार आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, सामने 15-20 लोग थे फिर भी आप डरे नहीं। अरे बेटा यही तो पावर है इस बंदूक का, सामने कितने भी लोग हो एक बार निकाल दो तो सब डर जाते हैं। सही है यार, हमें भी क्रिमिनल ऐसा कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा अगर कोई काम वाम पड़े तो याद करना, ताऊ वही हाजिर हो जाएगा। तो सड़ो ताऊ जी अब हम सड़ते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा और मुसीबत में आपको याद करेंगे। आवाओ बाबू मोसाई तुम तो बहुत ही जल्दी आ गए काम करके, टॉयलेट हाथ में आया कि ना आए? अरे इप्पू भाई आप बोले और हम ना करे ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये रहा हमारा माल, कड़क है। क्या बात है, तो चलो आज से तुम मेरी गैंग में काम करोगे। और विनोद संडा सा गया है, चल काम पे लोग जा। ठीक है भाई जी, वो बस 5 मिनट रुको, अभी इसका काम खत्म करता हुआ। हाँ विनोद पर थोड़ा संभाल के, हाँ बहुत कीमती चीज है। रिपू भाई एक बात पूछू, छोटा मुँह बड़ी बात है और अब तो हम आपके गैंग में भी है तो पूछ सकता हूँ? हाँ क्या पूछना है, बेझिझक पूछो। आप यार इतने बड़े माफिया हो के हमसे टॉयलेट चोरी करवाते हो, नया रेटे या फिर झाड़ियों में सड़े जाते हैं? अरे नहीं क्रिमिनल ये माफिया है ना, झाड़ियों में अच्छे नहीं लगते, और ऊपर से इनको पुलिस भी हगे हाथों पकड़ लेंगी। अरे सासा वो रंगे हाथों होता है। अरे नहीं हगते हगते पकड़ लेगी ना तो हगे हाथों हुआ ना। चुप करो तुम दोनों, ये टॉयलेट कोई टट्टी करने के लिए नहीं मंगवाया है। अच्छा तो फिर आप ही बताइए क्यों मंगवाया है टॉयलेट।
हमें खबर मिली थी कि इंडोनेशिया से एक बहुत ही कीमती चीज हमारे देश में आ रही है और वो चीज एयरपोर्ट पे लोकेशन भाई को सौंप दी गई थी। फिर हमारे आदमी पिगू ने हमें बताया कि वो चीज लोकेशन भाई ने अपने एक सबसे खास आदमी के घर पे रखवाई है। और तुमने जिस घर में से ये कमोड चुराया वो वही गैंगस्टर का घर था और पिगू ने उसके घर में एक पिगुड़ी पटा ली थी और उससे उगलवा लिया कि वो कीमती चीज कहाँ पर छुपाई है।